आपको ये लग रहा है कि समर्थ मैं अपील युवा करता हूं कि नौजवानों सरकार को अलग गुमराह अलग मुद्दे करके हमारे पीएफआई दबाए रहे। अपना सदस्य बनाती है और उसके बाद इस तरह के दंगों में उनको भड़का कर लेकर जाती है और फिर दंगे भड़काए जाते हैं, माहौल खराब होता है, इस पर तुरंत बैन किया जाना चाहिए। अंबर जैदी, क्या सुफी मोहम्मद जी की बातों से आप सहमत हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूँ। और अभी अनुराग बतोया जी काफी इमोशनल हो रहे थे और बहुत जोर जोर से बात कर रहे थे। देखिए भाई, आप समाजवादी पार्टी के इतिहास में ना जाएं। इतिहास में नहीं, हम पिछले कुछ दिनों की बात कर लेते हैं। वैसे तो समाजवादी पार्टी का इतिहास यही है कि हमेशा वो दोषियों के समर्थन में उतर आता है, चाहे उनके जो चीफ है उनका बयान ये हो कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, या फिर अभी कुछ महीने पहले चले जाते हैं जब आतंकवाद के दोषियों के समर्थन में उतरी थी इनकी पार्टी। तो ये तो इतिहास है, और इनके जो पॉलिटिकल अलाइज हैं वही इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलकर राजनीति करते हैं, सरकारें चलाते हैं। और जब वो लोग इस तरह के दंगों में पाए जाते हैं, या राजस्थान के करौली से इस तरह के इस पैटर्न की शुरुआत हुई थी। हम पहले देखते थे चित्रा जी की, जब हम छोटे थे तो बॉम्ब ब्लास्ट वाली घटनाएं होती थी और टीवी पे डिस्क्लेमर्स भी आते थे कि आप किसी अनजान वस्तु को न छुएं। लेकिन ये अभी नए तरीके से देश में दंगे भड़काने की जो पैटर्न, जिस पैटर्न पे शुरू हुआ है ना, ये बहुत चिंता करने वाली चीज है। आप अगर पीएफआई पे बैन भी लगा दीजिए तो उसका कोई हल नहीं निकलने वाला है जब तक हम इस मानसिकता पर अंकुश नहीं लगाएंगे कि नए नए मॉडर्न और फैंसी नाम के साथ दोबारा आ जाते हैं कि चादारी नागिन की तरह। तो ये बड़ा खतरनाक है, जब तक आप इस तरह की मानसिकता पर जो लोगों को, आम लोगों को रेडिकलाइज करके भारत के उसी देश में रहने वाले लोगों को उस देश के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, उसी देश के आप सारे सारे वो उनको जो हमें इन सारे संसाधन मिले हुए हैं, जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का इस्तेमाल करके आप उसी देश के विरुद्ध जो ताकतों को आप खड़ा करते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। और एक अहम बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हम सब अलग अलग विचारधारा के लोग हैं और आप मैं किसी भी जवाब पार्टी दूंगा का आप समर्थन आ रही कर अनुराग सकते हैं। जी। आप सुन लीजिए बात, अनुराग जी आप बहुत बोलते हैं, आप सुन लीजिए। मैं यहाँ पर आप सबका को मैंने सुना और मैं वेट कर रही हूँ। देखिए, सबसे जरूरी ये है अनुराग जी, आप किसी और विचारधारा के हो सकते हैं, मैं दूसरे के, और यहाँ पे बैठे हैं, सबका अलग अलग सोचना हो सकता है। लेकिन जो अभी स्थिति है, सबसे जरूरी यहाँ पर यह है कि हम जो अभी स्थिति बनी है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत अहम कदम उठाने हैं। हमें लोगों को लगातार वो उनसे ये अपील करनी है कि हम इस तरह की भावनाओं को लगातार भड़काएं ना। आप बिल्कुल सब लोगों की बहुत जिम्मेदारी है कि आप बहुत जिम्मेदारी के साथ बोले। आप राजनीतिक बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल मैं आप सबसे अपील करना चाहती हूँ कि आप इसको शांत करने की कोशिश करें। आप लोगों को, हम सबको, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, चाहे वो रिलीजियस स्कॉलर्स जो इस तरह की असर पड़ता कहाँ बयानबाजी है, करके, इस तरह की अपील का लेकिन कहाँ असर कोशिश पड़ता तो है, यही कर तो बड़ा सकते हैं ना। सवाल है लेकिन ना। आप ये सोचिए ना कि आज ये स्थिति है कि दुनिया भर के आतंकवादी संगठन भारत को धमकी दे रहे हैं, ये लेकिन बात हम सच है अनुराग भदौरिया जी, और उसकी अभी भी विपक्ष मुखालफत खुश होने ताली हिंदुस्तान बजा के रहा है कि भीतर से उस देखिए, तरह से नजर नहीं आती विपक्ष है। विपक्ष बड़ा खुश होना ताली बजा देखिए रहा है। देखिए, और वो ये देखिए भी कह रहे हैं कि देखिए इच्छाधारी नागिन की तरह कुछ लोग पीएफआई के मुद्दे पर आकर सामने खड़े हो जाते हैं। देखिए, आपने अगर पहले ही पूछा था मुझसे, मैंने पहले ही बोल दिया था पीएफआई अगर देश के लिए खतरनाक है, राष्ट्र में विरोधी काम कर रही है, तो उसको बैन कर देना चाहिए। लेकिन सरकार ने आज तक नहीं किया, क्योंकि उनको करना भी नहीं है। राजनीति कैसे होगी फिर, उनको राजनीति के लिए कुछ तो चाहिए ना। इसीलिए मैं रागी जैसे लोग जो यहाँ बैठे हैं और बीजेपी के जो सपोर्टर, उनके लिए बस एक ही शब्द है, अगर वो समझ जाए, हालांकि उनके समझ में आएगा नहीं, चित्रा जी कितना भी उन्हें समझा दीजिए, हम तो उनसे यही कहेंगे, मजहब है इंसान का प्रेम और आनंद, जाति धर्म में बांट कर लगा लिए पैबंद। सिर्फ जाति धर्म के अलावा आपके मुंह से कोई आवाज निकलती नहीं है। आपसे जब भी बात रागी जी से पूछो तो चले जाएंगे हिंदू मुस्लिम, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। अरे अनुराग जी, भाई, आज की बात कब मैंने होगी, किसी मजहब की आज बात की नहीं की। बात कब मेरा मजहब होगी, मेरा कब देश होगी, है आज और की मैंने हमारा अपने जो देश यूथ की बात की परेशान है। है, आप जिस जब तरह अपने का मजहब को कहते समस्याओं से हैं जूझ रहा कि है, आपका जिस तरह क्या से मजहब हमारा है, देश आपने किस समस्याओं मजहब से को जूझ कहा रहा है, कि मैंने जिस तरह से किसी नफरत मजहब की को कहते राजनीति नहीं यहाँ कि चारों तरफ आप, फैलाई जा रही है, लेकिन जिस आप तरह से लोगों यहाँ की लोगों में छोटी आपस मोटी में लोगों की भाईचारा मजहब खत्म किया लेके जा आए रहा हैं, है, कभी यहाँ आपने डेवलपमेंट किसी की मजहब बात की होती है, आवाज नहीं इनके उठाई। मुझे जब भी और आप निकलेगा लोगों तब को एक क्या एक मजहब समझ कहते लो, हैं, मुंह किसी खोला मजहब नहीं, का कि रिलीजन जाति है, धर्म की आवाज निकली नहीं, एक उधर गुप्ता जी बैठे हैं वो पान की दुकान में चले गए, एक एक वो जब करके भी प्लीज। बात करेंगे किसी पे कटाक्ष करेंगे तो पान की दुकान का अपमान ठीक करने है। लग जाएंगे। अरे भाई, जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं पान की दुकान में जाके बैठते हैं, भाई 5 स्टार होटल में आप ही बैठोगे और तो कोई बैठ नहीं सकता। लेकिन दिक्कत इनके साथ ये है, ये किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कोई किसी को यहाँ नीचा नहीं दिखा रहा है, लेकिन इनके शब्दों में दूसरों को नीचा दिखाने की आदत है। ये जो नीचा दिखाने की आदत है, सारी समस्या का जड़ है ये हमेशा अपने आप को ऊपर लेके आएंगे। इनसे कोई सवाल पूछो कि वहां घटना कैसे हो गई 1980 में, यूपीए की सरकार थी, ये घटना कैसे हो गई 1904 में, अरे इतिहास मुलायम सिंह आईना यादव भी तो दिखाता मुख्यमंत्री है थे। अनुराग अरे भाई, भदौरिया, आप आप ये अभी सब की बात गाते कर रहे रहोगे हैं ना, कि कभी अनुराग जनता भदौरिया की जी की जनता की इतिहास फैले आईना आईना भी बात तो करोगे। दिखाता है। अब अभी की बात आईना कर रहे हैं ना, दिखाना देख अलग लेना चीज चाहिए है, ना, कम लेकिन से कम पता तो 24 चलता है घंटा कि कौन रटी कहां रटाई पर खड़ा हुआ बातें, था। इनके
बातें रटी रटाई है, रटी रटाई बातें आप कोई नहीं बता सकते। रटी रटाई बातों के साथ आप लोग सामने आ जाते हैं क्या? ठीक है ठीक है, अमर ने आया आपके पास सांद्र गुप्ता जी, ठीक है। आपने तो देश को सपना दिया था कि हम 5 मिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे, हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु बनाते बनाते देश के सामने पूरे विश्व के सामने एक एक करके प्लीज सांद्र गुप्ता जी को बोलने दीजिए, हो गई आप दोनों लोगों की बात। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, सांद्र गुप्ता जी आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं रटी रटाई बातों के साथ आप लोग आ जाते हैं, कोई भी मामला हो इतिहास में ले जाकर ढकेल दो, कोई भी मामला हो अपनी जवाबदेही। प्लीज अनुराग भदौरिया जी आपका एक बार सब प्लीज, आपका जनरेटर एक बार शुरू होता है बंद नहीं होता अनुराग भदौरिया जी, प्लीज आपसे गुजारिश है। अनुराग जी आप सबके बीच में बोलते हैं, प्लीज आपसे गुजारिश है। अरे मैंने रोका था उनको, अनुराग जी कम से कम मुझे तो बोलने दे, अनुराग जी मुझे तो बोलने दे कम से कम, नहीं बोलने देंगे आप ही एंकर बन जाइए, आप सपा के प्रवक्ता भी इनके तौर पर भी बातें रख लीजिए, एंकर भी बन जाइए, किसी की तो सुनेंगे ना अनुराग भदौरिया जी। हमारी आवाज के लिए बोलेंगे डाउन कर देंगे, उनकी आवाज को डाउन नहीं कर पाएंगे आप, ये भी तो दिक्कत है ना, वो मेरे बीच में बोलती रही। सुन रहे आपको, आपको लग रहा है कि अमर जाधव जी से मैं डर गई या शांत्रु गुप्ता जी से डर गई, इसलिए उनकी आवाज को मैं डाउन नहीं करूंगी। ठीक है अनुराग भदौरिया खुश, अब आपकी बात खत्म हो गई है। शांत्रु गुप्ता जी ये बात तो सच है ना कि अगर कोई भी मामला हो जिसमें आपकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए, आप घूम फिर कर आ जाएंगे कि पुरानी सरकारों में क्या हुआ था। अरे पुरानी सरकारों में वो हुआ था तभी तो आपको मौका दिया गया, आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए मेरे ख्याल से ऐसा हर व्यक्ति जिसका ऐसा हर व्यक्ति जी, मेरा नाम शांतनु गुप्ता है, अनुराग जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं अनुराग जी, प्लीज अनुराग जी क्या तरीका है, कहां से आते हैं ये लोग? ये अनुराग भदौरिया जी ये तरीका ठीक नहीं है, अनुराग जी अब आगे बोलेंगे, उनका आवाज प्लीज आप डाउन कर दें। ठीक है ऐसा हर व्यक्ति आप जो मेरे बीच में बोल रहे थे, ऐसा हर व्यक्ति तो मैं अपनी बात कह लेता, क्या है यही तो बात है, दिक्कत तो सब यही है। ऐसा हर व्यक्ति जिसका इतिहास शर्मसार रहा है, जिसकी पार्टी का इतिहास शर्मसार रहा है, उसने कहा है कि लड़के हैं गलती हो जाती है, जिसके मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम आतंकवादियों को छोड़ देंगे, वो इतिहास से कतराएगा।